Hi everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face India. And today we have India's top real star Aryanshi Sharma with us doing Celebrity Face first event. So Aryanshi, first of all, ये बताइए आपके करियर का ये पहला इवेंट है तो कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है अपने फैंस से मिलके? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सभी से मिलके. ऐसे तो मैं हमेशा इंस्टाग्राम वगैरह पे ही मिलती थी या फिर कहीं रोड पे मिल जाते थे तब भी सेल्फीज वगैरह होती थी, बट ऐसे इंटरेक्ट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. okay. और बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं. तो ये बताइए आपका जो सफ़र है, एक अगेन 4.3 मिलियन फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम में, 43 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो लाइक कैसे जर्नी स्टार्ट की? क्या पहले से प्लान था कि एक रील स्टार बनना है? नहीं, पहले से तो मेरा कोई प्लान नहीं था. एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है जर्नी जो है, कोई नहीं जानता है. मेरे दोनों मॉम डैड डॉक्टर है और इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे, तो मेरे को इंटरेस्ट था पहले से ही, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में. और वो चाहते थे मैं एक डॉक्टर बनूँ या फिर MBA करूँ, बट आई वॉज इन टू दिस. सो धीरे 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 होता गया और पसंद करते गए मुझे लोग, और 2 साल में फ्रॉम 0 to 4.3 मिलियन फॉलोअर्स. तो अरियांशी ये बताइए आपके कौन से फेवरेट रील स्टार है जिनको देख के आपने सोचा यार कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, MBA नहीं करना, कुछ तो सोचा होगा कि मुझे इस फील्ड में क्यों जाना है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं कि मैंने किसी को देख के रील्स बनाना स्टार्ट किया, खुद से ही मैं बनाती थी. मतलब पहले मैं वो म्यूजिकली के टाइम पे म्यूजिकलीज बनाती थी, बट मैं डालती नहीं थी. फिर उसके बाद रील्स जैसे ही स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने स्टार्ट किया डालना. ऐसा कुछ नहीं मैंने किसी को देखा है. तो कोई आपका टॉप 5 फेवरेट रील स्टार, टिकटॉक म्यूजिकली स्टार कोई है कि नहीं है? ऐसा नहीं है. कोई फेवरेट मेल फीमेल में किसी को आप लाइक करती हो? फीमेल में को नगमा बहुत पसंद है. ओके, अरियांशी मैं ये भी जानना चाहूंगा, बहुत सारी गर्ल्स हैं बहुत यंग एज में, वो भी चाहती हैं आपकी तरह रील स्टार बनना, सो आप उनको बताइए वो कैसे रील स्टार बन सकती, क्या करें ऐसे कि जैसे आप बता रही 2 साल 3 साल के अंदर 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो व्हाट इज द की टू सक्सेस टू बिकम अ रील स्टार? एंड कोशिश करना कभी मत छोड़ना. जितने भी फेलियर आए, एक ना एक दिन ऐसा पॉइंट आता है कि तुम लोग सक्सीड करते हो. बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे वो कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं और उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. यू शुड नेवर गिव अप. एक पीक टाइम आता है तुम्हारा, जैसे मेरा बहुत बीच में बहुत पीक टाइम था, अब थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आता है, बट ऐसा नहीं है कि अभी डीमोटिवेट हो जाओ, चीज़ें करना छोड़ दो. यू हैव टू कीप ग्रोइंग, कीप ग्रूमिंग योरसेल्फ एवरी डे. तो कभी हार नहीं माननी चाहिए. And what do you think, how much time people should give to become any star? Because लोगों को चाहिए आज ही बन जाने भैया रील स्टार. नहीं, ऐसा नहीं होता. एक दिन में बन सकते हैं? एक दिन में कोई, एक महीने में, एक हाँ अगर तुम कंटिन्यू रखोगे. इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन क्वांटिटी. क्या है व्हाट योर कंटेंट, तुम क्वालिटी कैसा दे रहे हो. इट डजंट मैटर कि तुम क्वांटिटी दो, खूब सारी रील्स. कई मैंने देखा है कम से कम 20-20 रील्स डाल देते दिन की. ओके, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए. एक ही रील डालो और ऐसी डालो कि लोगों को पसंद आए. एंड कुछ टाइमिंग वगैरह का भी होता है कि यार इस टाइम पे डालेंगे तो वायरल हो जाएगा ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि अगर एक टाइम पे तुम डाल रहे हो स्टार्टिंग से तो उसी टाइम पे डालना चाहिए. मतलब ये मेरे को लगता है, यानी फोकस रहो, यानी सेम टाइम पे, कंसिस्टेंसी. और कंसिस्टेंसी यही नहीं, हर जगह मैटर करती है. मतलब यानी इंस्टाग्राम जान जाता है कि आप अगर जो इवनिंग 5 बजे डाल रहे हो डेली, तो डेली डालोगे तो तुमको उठाएगा, ऐसा कुछ है? आपको कुछ बढ़ोतरी हुई है फॉलोअर्स में? हाँ, मतलब मेरा स्टार्टिंग से, मैं अपना टाइम बताती हूँ तुम लोगों को, तो मैं 4 बजे रील डालती थी, 7 बजे फोटो डालती थी डेली. तो लोगों को क्वांटिटी नहीं देती थी, क्वालिटी देती थी. yes, okay. मेरे फोटोग्राफ्स हो चाहे मेरी रील्स हो, मैंने हमेशा ट्राई करा एक्सप्रेशन हो, चाहे स्लोमोज हो. yes. चाहे ट्रांजिशन हो, मैं टिकटॉक से ट्रांजिशन से ही उठी थी. टिकटॉक पे मेरे शायद 2 मंथ्स के अंदर 1.3 मिलियन हो गए थे फॉलोअर्स, और मेरा एक वीडियो वायरल गया था कैंडी शॉप, आई डोंट नो, यू माइट बी नोइंग और नॉट, तो वो 10 मिलियन हिट किया था. तो फिर वहां से मेरे को ऐसा था कि यार, और मैंने टिकटॉक पर सिर्फ 23 वीडियोस ही डाली थी उस टाइम, एंड दैट्स अराउंड 1.3 मिलियन फॉलोअर्स. और फिर मैं 7 बजे वीडियो डालती थी और मैं छोड़ देती थी. फिर मेरे को बाद में पता चला कि मेरी वीडियो वायरल हुई है. मैंने बोला है ऐसा भी होता है. Obviously anybody can become a star with, हाँ, ऐसा नहीं होता है. It depends upon कि लोगों को आप कितने पसंद है. yes. और ये भी पूछना चाहूंगा, obviously आप टाइमिंग आपका फिक्स है, डेली अच्छा कंटेंट डालें, बट कुछ लोग हैं, आई मीन गर्ल्स बॉयज, बहुत बोल्ड भी डालते हैं, बोल्ड कंटेंट भी डालते हैं, तो व्हाट डू यू नीड टू से अबाउट बोल्ड कंटेंट? मेरी प्रोफाइल पे आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी. मेरे को, क्योंकि मेरे को मेरी माँ बोलती है कि
तो मैं नहीं चाहती मेरी मॉम को हटा, इसलिए मेरे को नहीं पसंद है बोल्ड बोल्ड चीजें ऐसा। यानी तुम कुछ भी पहन रहे हो तुमको उसको कैरी करना आना चाहिए, ठीक है? तुम छोटे, मैं भी पहनती हूँ छोटे कपड़े पहन रहे हो, बट उसको ढंग से कैरी करो कि जो देख रहा है उसको अश्लील बनने लगे। चलिए बहुत अच्छा है। तो आर्यान जी एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, गर्ल्स जो कि एज ग्रुप ऑफ 8 years to 18 years हैं, जो मोस्टली आपको फॉलो करती हैं, आई थिंक लाइक्स तो आपके बहुत 5-5 lakh लाइक एक फोटो में आते हैं, तो उन बच्चियों क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज दे आर द वन डे नाइट आपके फैन क्लब में पोस्ट करती हैं, रीशेयर करती हैं, पिक्चर्स बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मेरी आरू स्क्वाड जो मेरा ग्रुप है उसको थैंक यू सो मच। मतलब मैं इतनी डिमोटिवेट होती हूँ लाइफ में, बाप रे बाप, ऐसा नहीं मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइफ में पर्सनल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये चीज़ें, ठीक है, फैमिली इशूज है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, तो वही लोग होते हैं जो मुझे पिंग करते हैं बार बार, नहीं जी आप बनाओ आप बनाओ, तो उनको स्पेशली थैंक यू। और पढ़ाई भी करनी चाहिए भाई, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब मेरे 10th में हो चाहे प्लस टू में हो बैचलर, मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग अगर यहाँ सक्सीड नहीं हो रहे हो तो पढ़ाई भी करना इम्पोर्टेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, यही बनाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीजें भी करो, अगर तुम्हें यहाँ सक्सेस मिल रही है तो ठीक है कंटिन्यू करो, वरना पढ़ाई भी करो। और आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? अभी तो आप पहला इवेंट सेलिब्रिटी फेस के साथ बहुत सारे कोलैब्स करती हैं अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? कोलैब तो अभी नहीं कर रही है, नहीं कोलैब तो नहीं। ओके, आई मीन कोलैब विद द ब्रांड्स जो आप करती हैं, लाइक बाटा के साथ किया था आपने, वो अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ कर रही हैं। व्हाट अबाउट द फ्यूचर प्लान? म्यूजिक वीडियो में हम कब देखने वाले हैं आर्यांशी को? जल्दी देख, मैंने बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस नहीं करी कुछ, मतलब मेरा मन नहीं था शायद या क्या, बट अब मैंने सोचा कि मैं म्यूजिक वीडियोस करूंगी, हां तो शायद। थैंक यू सो मच आर्यांशी फॉर जॉइनिंग विद सेलिब्रिटी फेयर, एंड फर्स्ट इवेंट आपका बहुत हिट था, थैंक यू सो मच। एंड जयपुर ने आपको ढेर सारा प्यार दिया, सब लोग बोले थे दिल्ली इवेंट करो, इवन आप बोले दिल्ली, बट हमने कहा नहीं भाई हम तो करेंगे राजस्थान में, जयपुर में करेंगे। एंड दिल्ली से ऐसा है, चंडीगढ़ से मेरा बहुत कनेक्शन है, मेरा मतलब स्टार्टिंग वहीं से रहा है, चाहे टिकटॉक का हो चाहे, तो वहाँ से आई वॉज क्वाइट श्योर कि वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं कि चंडीगढ़ वालों से। कोई नहीं, आपका फर्स्ट इवेंट जयपुर से हुआ, कोई नहीं, अभी जर्नी पूरे इंडिया में हम जाएंगे स्टार्ट करेंगे। अभी हम आर्यांशी एक काम करेंगे, एक रैपिड फायर करते हैं क्विकली, ये मैं अपने लाइव क्विज कॉम्पिटिशन में करता हूँ, सेम चीज आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आप कितना फास्ट आंसर कर पाते हैं, ठीक है? किसी 3 मेकअप ब्रांड के नाम जल्दी से बताइए फास्ट। मेकअप ब्रांड हो गया आपका फॉरएवर और स्मैशबॉक्स और मेबेलिन। 3 परफ्यूम ब्रांड के नाम? ज़ारा, गुची और शनेल। 3 क्लोथिंग ब्रांड के नाम? ज़ारा, H&M और फॉरएवर 21। ठीक है, 2 बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम ये बताइए जिन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया है? काजोल। और दो एक्ट्रेस के नाम बताने हैं जिन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया, एक तो काजल और दूसरी कौन है? मूवी नहीं देखते आप? मैं बहुत कम मूवी देखती। चलो ये बता दो शाहरुख खान ने किन 2 बॉलीवुड एक्टर के साथ काम किया है, आप नाम बता दो। यार ये वाले क्वेश्चन मत पूछो यार। तो देखो यहाँ पे आर्यांशी को बॉलीवुड की म्यूजिक आई मीन गाने पे रील्स बनाती है, बट क्विज में वो थोड़ा वीक है, तो कोई नहीं, इट वॉज लवली चैटिंग विथ यू आर्यांशी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फ्रॉम सेलिब्रिटी फेस, इट वॉज लवली इवेंट एंड इवनिंग विथ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ सेलिब्रिटी फेस, थैंक यू, सी यू गाइस, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना भाई, बिकॉज इसी प्यार से हम बैक टू बैक इवेंट प्लान करते रहेंगे आर्यांशी का। आर्यांशी आपका नेक्स्ट इवेंट कहाँ पे ये जरूर बता दिए सारे फैंस को। मेरा नेक्स्ट इवेंट होने वाला है दिल्ली में, यस, सो ऑल ऑफ यू आना, मिलेंगे, बहुत सारी फोटोज क्लिक कराएंगे, रील्स बनाएंगे और मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।